हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज आपको एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे लगा है उसको मेंटेनेंस के लिए निकाला गया है। ये जो पीछे लाल कलर का है वो बस बार है, जब ब्रेकर अंदर जाएगा तब वो बस बार खुलेगा। साइड में कंट्रोल सप्लाई का स्विच लगा हुआ है। ये ब्रेकर का कवर निकाल दिया है, उसमें शंट रिलीज, क्लोजिंग कोयल, ये काउंटर, ऑन ऑफ स्विच का इंडिकेशन और सर्विस पोजीशन, टेस्ट पोजीशन का इंडिकेशन जो येलो वाला है, ब्लैक वाला है वो। और पीछे स्प्रिंग चार्जिंग के लिए मोटर लगा हुआ है, वो गियर से कनेक्टेड है। ये वाला ऑक्सिलरी स्विच है जो ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के साथ लगा हुआ है। और ये आर्क चूथ है जो तीनों फेज में तीनों ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के ऊपर लगा हुआ है, उसके नीचे ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है। साइड में कंट्रोल सप्लाई के लिए स्विच लगा हुआ है, जो कि ब्रेकर का टेस्ट पोजीशन, सर्विस पोजीशन सब यहाँ से दिखाता है। ये ब्रेकर के कंट्रोल वोल्टेज का, मोटर का वोल्टेज, क्लोजिंग कोयल और शंट रिलीज का वोल्टेज लिखा हुआ है। LNT का ब्रेकर है ये। पीछे ब्रेकर के आउटसाइड और इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनल है। कॉपर के है। ये ऑक्सिलरी स्विच कनेक्टेड है ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के साथ। ये पीछे वाला ब्लैक कलर का स्प्रिंग है, तो मैन्युअली और मोटर से दोनों से चार्ज होता है। ये आर्क चूत अभी निकाल लिया है तो ब्रेकर के कॉन्टेक्ट है, अभी ओपन कंडीशन में है, देख लीजिए। ये ऑक्सिलरी स्विच जो ब्रेकर के कॉन्टेक्ट